नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत करता हूँ आपका और एक नए वीडियो में। जैसे कि आपने पुराने पिछले वाले वीडियो में देखा कि मैं वर्धा सिटी में आ गया हूँ और अब आज से मैं वर्धा की सारी जो प्रेक्षणीय जगहें हैं वो देखने की कोशिश करूँगा। तो उनमें से एक है गीताई मंदिर, जिसमें मैं आज आ चुका हूँ। इस जगह का महत्व अगर मैं आपको बता दूँ तो आचार्य विनोबा भावे जी ने ये 700 श्लोक 18 जो अध्याय गीता के है उसमें से 700 श्लोक जो लिखे थे धुले के जेल में, वो सानी गुरु जी ने एक मतलब पुस्तक में या फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन किया था। तो उन सभी को यहाँ पर 18 अध्याय को 730 जो पत्थर है उन पर मतलब कार्विंग की है उसकी। तो आज हम वो देखने वाले, और इस जगह का जो महत्व है वो आप वहाँ पर एक टेकड़ी है, वहाँ से आप अगर देखोगे तो पूरा ये गाय के आकार में बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे। कुछ मिनट से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर आने के बाद ऐसे अलग सा लग रहा है, एक पीस सा मिल रहा है यहाँ पर। और इस जगह का नाम अगर मैंने बताया ना हो तो ये है गीताई मंदिर जो वर्धा में स्थित है। और इसके बारे में पहले बता दिया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके सारे अध्याय यहाँ पर सारे मतलब कार्विंग की गई है। मेरे पीछे अगर आप देख सकोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है इन स्टोन्स के। तो बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप आना चाहो तो एक बार ज़रूर आना। और सारा अनुवाद मराठी में है तो मराठी भाषिक लोग अच्छे से इस जानकारी को पढ़ पाएंगे और गीता का ज्ञान ले पाएंगे। चुके विश्व शांति स्तूप के पास, और ये जो विश्व शांति स्तूप है ये बनाया गया था फुजी गुरु जी के द्वारा 15 फरवरी 1993 तक इसका पूरा स्ट्रक्चर बनकर खड़ा हुआ था। और दुनिया भर के जो 80 जो पवित्र स्तूप है उनमें से इसे एक माना जाता है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी होगी तो गूगल कर लेना। और शहर के सफ़र करते करते हम एक जगह ऐसी जगह पर पहुँचे जो मुझे देखकर मेरे दिल के बहुत करीब लगी, क्योंकि बचपन से ऑटोमोबाइल्स का शौक़ था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। और ऐसा जो शिल्प हमने देखा है वो दोनों भी, एक आचार्य विनोबा भावे और दूसरे हमारे महात्मा गांधी जी,
उन दोनों का एक शिल्प है और वो ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट जो स्क्रैप होता है उससे बनाया हुआ है। तो जो ये आप मेरे पीछे देखेंगे महात्मा गांधी जी का है, जी का जो शिल्प है वो उसकी जो ऊंचाई मतलब हाइट है वो 30 फुट है और जो उसका वेट जो है वो 22 टन्स है। और जो आचार्य विनोबा भावे की जो मूर्ति है उसका वज़न 18 टन है और उसकी ऊंचाई 19 फीट है। तो अभी हमने जो स्टैचूज देखे वो जहाँ पर है वहाँ पर हम आ गए। इसे मतलब वर्धा शहर का चरखा गृह कहते हैं। तो चरखा गृह के अंदर जो कुछ भी चरखे हैं, गांधी जी के चरखे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चरखे अंदर है, तो हम जाकर देखते हैं अंदर। तो दोस्तों वर्धा शहर की सारी जगह आपने देख ली, जो जो इम्पोर्टेंट थी वही मैंने बताई और जो कुछ रह गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। रह गई है क्योंकि घूमा है लेकिन शूट नहीं कर पाए। हाँ शूट नहीं कर पाए और नागपुर का भी बहुत घूमे पर शूट नहीं कर पाए, एक ही गोरेवाड़ा का ही किया। इस चैनल पे स्पेशली अपना प्यार दिखाइए। और तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पर्यंत नमस्कार।